नमस्कार, आपको सीधी तस्वीरें सिरसा के डवाली का गांव गिदड़खेड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और गांव ने इस फैसले के चलते चुनाव का आज का जिला परिषद का जो चुनाव था ब्लॉक समिति का, उसमें आज बहिष्कार किया और पूरे गांव में से एक भी यानी कि मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा और पूरा दिन जो पोलिंग पार्टियां हैं वो इंतज़ार करती रही इस बात का कि शायद कोई गांव के लोग आएंगे, वो चुनाव करेंगे। लेकिन गांव के लोगों की इस बात पर दाद देनी होगी कि गांव का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला गांव ने लिया कि यहां पर गुरुद्वारा श्री करंगीधर साहिब जो पिंड गिदड़खेड़ा सिरसा का ये गाँव है, वहीं गुरुद्वारा के गेट पर ये मेरा पानी मेरा हक एक मांग को लेकर अनिश्चितकालीन जो धरना पिछले कई दिनों से चला आ रहा था, उसी के मद्देनजर इस गांव ने एक ऐसा फैसला लिया कि आज एक भी मतदाता यहां का वोट पोल करने के लिए नहीं पहुंचा। यहां से कुछ ही दूरी पर यहां का राजकीय प्राथमिक पाठशाला विद्यालय है जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर पूरा दिन जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर इंतजार करता रहा और जो पोलिंग पार्टियाँ यहाँ पर पहुँची थी, रिटर्निंग जितने अधिकारी थे, एआरओ थे, वो पूरा दिन यहाँ पर इंतजार करते रहे, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति वोट पोल करने के लिए नहीं पहुँचा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि ऐसा कौन सा कारण या फिर वजह है जिस वजह से इस गाँव के लोगों ने वोट पोल नहीं किया। दरअसल 17 गाँव के खेतों का पानी, जो कि आरोप है कि छीनकर राजनीतिक लोग उसे खेत सींचने के लिए एक स्पेशल नहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि 65 सालों की एक ऐसी व्यवस्था मुजगढ़ हेड पर बनी है जिस हेड को तोड़ने की कोशिश किसानों का, ऐसा आरोप लंबे समय से है। वहां से एक नहर निकालने का प्रपोजल है, उसके चलते जो ऐसे करीब 15-16 गांव पड़ते हैं वहां पर जो खेत हैं आखिर तेल पर पड़ते, उनका जो हाल है वो बुरा हो जाएगा। इसी बात की चिंता को लेकर किसानों की ओर से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई। हालांकि धरना उसमें काफ़ी हद तक सहमति बनी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन किसानों को अभी तक दिया गया है, जिस वजह से इस गांव के लोगों ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया कि जिस फैसले पर पूरे गाँव ने फूल चढ़ाते हुए इस गाँव के फैसले को एक तरीके से अटल रखा और आज एक भी व्यक्ति यहाँ पर वोट पोल करने के लिए नहीं पहुंचा है। तो ये किसान की एक सबसे बड़ी जीत जो कि उसकी मांग है। हालांकि ये अधिकार उनका खुद पूरे गांव का एक अधिकार था मतदान करने का, लोकतंत्र का ये खूबसूरत महोत्सव था, लेकिन यहाँ के गांव का ये फैसला था कि लंबे वक्त से यहाँ पर काम नहीं हो पाए, चाहे गलियों की बात हो चाहे किसी तरीके की व्यवस्था की बात की जाए, तो उसी के मद्देनजर यहाँ के लोगों की नाराजगी है कि उनकी गिद्दड़खेड़ा तेज रैना का धन्यवाद करते हैं। सभी गाँव वालों रल मिल करके जो इलेक्शन था आज का, इसका बाइकाट किया है। उसकी वजह ये थी कि जो हमारा पानी है हमारे कई गांव का, वो जो राजनीतिक लोग हैं जो इकट्ठे होकर उसको छीन रहे हैं जी, और हम अपना जो हक है जो इनको देना नहीं चाहते, इसलिए हमने उससे तकरीबन 2-2.5 महीने से संघर्ष चल रहा हमारा डवाली में, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और आज भी किसी भी मतलब बड़े कर्मचारी ने सरकार की तरफ से आकर हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ना ही हमारे से कोई बात की गई है। इसलिए हमने सभी गाँव वासियों ने रल मिल के इसका बाइकाट किया है। तो क्या सर, एक भी वोट पोल नहीं किया किसी का? नहीं, एक भी वोट नहीं पोल किया है। ये सभी गाँव वासियों ने बड़ा बढ़िया तरीके से निभाया इसको, सारे गाँव ने अपने पर नेता पहले वोट के लिए आ रहे थे जिला, उनका भी बाइकाट कर रखा था, सबका बाइकाट कर रखा था, बड़े छोटे सब नेता का हमने गाँव में अनाउंस करवा दिया था रेडियो में भी, कोई भी गाँव किसी भी लीडर को कोई भी गाँव वाला नहीं बुलाएगा, चाय पानी नहीं पिलाएगा और ना ही हम ऐसा करेंगे जितनी देर तक हमारा कोई हल नहीं होता। सर, आपने कोई ऐसी शपथ भी ली थी क्या पूरे गांव ने मिलकर कहीं? ये सबसे बड़ा काम है, जो गांव से कोई भी नहीं आया। बहुत स्वागत है। तो इस तो पहला गिदड़खेड़ा के पिंड ने सारे ने इकट्ठ करके जी एक फैसला लिया सीगा भी जो जिला परिषद दियां ते ब्लाक समिति दियां वोटां ने उहदा विश्कार किया जाएगा भी किसी नूं भी कोई वोट पोल नहीं की जाएगी। सारिया पार्टी बाजियां तो बहुत नाराज ने पिंड वासी, क्योंकि साडा जो पिछे पानी का मसला चल रहा है उस पिछे असी हर लीडर को गए हैं, हर लीडर की असी मिन्नत की है, पर किसी ने साडी कोई गल नहीं सुनी, ना ही किसी ने आके साडी कोई पुछ गिछ लई। असी 2 महीने डवाली SDM ऑफिस अगे बैठे रहे हैं, पर सानू CM साहब वालों थोड़ा आश्वासन मिले भी कमेटी गठित की गई है भी वो जो फैसला लेगी तुसीं वो फैसले तो संतुष्ट होए तो चलो ठीक है, नहीं थोड़ा धरना फिर अगे चलता रहेगा। इस करके सारे पिंड ने रल मिल के फैसला लिया भी आप इस वोटों के एक भी वोट पोल नहीं करनी। और किसी ने वोट पोल नहीं किया? नहीं, एक भी वोट पोल नहीं हुई जी। सारे पिंड वालों बहुत ही वधिया सानू सहयोग मिले, सारा नगर साडे नाल है जी, सारे इतने बैठे ने। ठीक से वासियों, हमारे गाँव में वोटों का बहिष्कार किया गया है। मेन मुद्दा इसका यही है कि हमारे जो पानी का मुद्दा है उसके लिए 77 दिन से धरना हमारा चल रहा था डवाली तहसील में, उसके विरोध में ही हमने ये जो है बहिष्कार किया हुआ वोटों का, कि गांव के किसी भी वासी ने कोई वोट नहीं पोल की हुई।